इंडिया। हाउ आर यू? आज हम लोग हर्षवर्धन को पढ़ेंगे, एक ऐसा राजा जो अपने वंश का एकमात्र चमकता हुआ तारा था, जो थोड़े समय के लिए चमका, और जब हर्ष की मृत्यु हुई तो वो निसंतान मरा था। तो न केवल हर्ष बल्कि हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में उसका वंश भी खो गया था। हमें कहीं भी उसका वंश देखने को, आगे पढ़ने को नहीं मिलता। ये बात ध्यान रखिएगा। एक आग्रह मैं जरूर करूंगा आप सबसे कि केरल में बाढ़ ने अपना भयानक रूप ले रखा है, तो अगर किसी सरकारी स्रोत के माध्यम से आप कुछ अंशदान उसमें कर सकें तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जरूर करिएगा, क्योंकि निसंदेह इस समय केरल बहुत कष्ट में है। चलिए हम लोग अपने विषय पे आगे बढ़ते हैं। तो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हर्षवर्धन को हम पढ़ेंगे समझेंगे कैसे। तो एक तो ये मैप के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, और उसके पहले हर्ष के समय का इतिहास जानने का, इतिहास जानने के जो साधन है, आइए उस पर थोड़ा सा दृष्टि डाल लेते हैं। तो हर्ष का इतिहास जानने का सबसे प्रमुख स्रोत हम लोग जानते हैं बाणभट्ट हैं। बाणभट्ट की सबसे प्रसिद्ध रचना है हर्षचरित। हर्षचरित जो है इसमें टोटल 8 अध्याय हैं, जिसे 5 और 3 में विभाजित किया गया है। 5 में बाणभट्ट ने बहुत सारी चीजों का उल्लेख किया है, लेकिन जो 3 अध्याय हैं उसमें हर्ष और उसके विषय के बारे में विशद जानकारी वो छोड़ के गए हैं। तो एक तो बाणभट्ट की हर्षचरित से हमें हर्ष के समय की जानकारियां मिलती हैं। अगली बुक है आर्य मंजूश्री मोनकल, हम लोग जानते हैं बौद्ध धर्म की पुस्तक है, हम लोग पढ़ चुके हैं बौद्ध धर्म में। उसके बाद प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, हम सब जानते हैं कि प्रियदर्शिका, रत्नावली, रत्नावली, नागानंद, ये तीनों ही ग्रंथ हर्ष ने लिखे थे। हर्ष एक बहुत ही विद्वान टाइप था, उसका लिखने पढ़ने में बहुत मन लगता था। उसका एक उदाहरण हमारे सामने ये है कि उसने स्वयं ने 3 ग्रंथों की रचना की थी। उसके बाद सीयू की जो है वो होएनसांग का यात्रा विवरण है, जिसे हम सीयू की बोलते हैं। तो सीयू की होएनसांग का यात्रा विवरण है जो हमें हर्ष के बारे में जानकारी देता है। अगला चीनी यात्री इत्सिंग है, इत्सिंग जो लगभग 671 ईस्वी में भारत आया था। इससे क्रम भी याद रखिएगा, पायान, सुंगयुन, मैंने कल पिछले वीडियो में बताया था सुंगयुन, उसके बाद होएनसांग, क्योंकि हर्षवर्धन के समय आए हैं 629 में। आगे हालांकि हम लोग चर्चा करेंगे 629 में हर्ष के समय होएनसांग आए हैं, और इत्सिंग 671 में आया है। तो क्रम लगाने के लिए भी इजी है। उसके बाद हमें जानकारी कहां से मिलती है? बांसखेड़ा, बांसखेड़ा ये शाहजहांपुर में है, उत्तर प्रदेश में। बांसखेड़ा कहां है? शाहजहांपुर, यूपी, ठीक है। तो यहां से हमको हर्ष का एक लेख मिला है, उससे हमें जानकारी मिलती है हर्ष के जीवन की। मधुबन लेख है, मधुबन हम जाते हैं बिहार में है, वहां से हमें जानकारी मिलती है। अगला ऐहोल लेख है, ऐहोल लेख पुलकेशिन द्वितीय का है, इसके बारे में हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे। तो ऐहोल लेख से हमें हर्ष के समय की जानकारी मिलती है, और ऐहोल लेख में ही हर्ष को सकलोत्तर पथनाथ कहा गया है। सकलोत्तर पथनाथ यानी कि उत्तर भारत का जो राजा है वो हर्ष है, इस प्रकार का इससे सेंस निकलता है। ऐहोल लेख में है, बहुत बड़ी बात है। और सोनपत, सोनपत हम जानते हैं हरियाणा में है, सोनीपत, नालंदा, यहां से हम लोगों को हर्ष की मोहर मिली है, सील जिसको कहा जाता है, मोहर मिली है। सोनपत से जो मिली है वो तांबे की है, और जो नालंदा से मिली है वो
मिट्टी की है। तो सोनपत और नर्मदा से हम लोग को हर्ष के समय की मुहरें मिली है, इससे हम लोग समझ जाते हैं हर्षकालीन इतिहास। ठीक है, तो ये तो हर्षकालीन इतिहास जानने के स्रोत हो गए, इनको ध्यान से याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा हम इसको समझा देते हैं, फिर हम लोग आगे की कहानी पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हरियाणा है, करनाल, थानेश्वर जहां के हर्षवर्धन है, ये कन्नौज है, यहां पे मौखरी वंश है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा करी थी मौखरी, ये मौखरी है कन्नौज के, ये पाटलिपुत्र है, ये बंगाल गौड़, बंगाल को गौड़ भी कहा जाता था, याद रखिएगा, गौड़ यानी कि बंगाल। उसके बाद ये प्राग ज्योतिषपुर है, प्राग ज्योतिषपुर किसका प्राचीन नाम है, असम का प्राचीन नाम है, इसको भी याद रखिएगा प्राग ज्योतिषपुर। उसके बाद ये मालवा का क्षेत्र है और ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, और यहीं पे हमारी एक महत्वपूर्ण नदी निकलती है नर्मदा। हम लोग जानते हैं नर्मदा व ताप्ती, कई बार हम लोग पढ़े हैं इनको। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम लोग इन्हीं पे चर्चा करेंगे कि हर्षवर्धन के समय एक्चुअल में हुआ क्या, आइए समझते हैं। तो देखिए, जो हरियाणा है, थानेश्वर यानी कि करनाल हरियाणा, यहां के हैं पुष्यभूति, पुष्यभूति ने एक वंश की स्थापना करी जिसे हम या तो पुष्यभूति वंश कहें तब भी ठीक है, या वर्धन वंश कहें तब भी ठीक है। तो याद रखिएगा, वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसके आदि पुरुष या वंश के जो संस्थापक हैं वो पुष्यभूति थे, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। और पुष्यभूति के बाद नेक्स्ट जो महान राजा हुए हैं उनका नाम है प्रभाकर वर्धन। इन्हें प्रभाकर वर्धन बहुत ही योग्य राजा थे, इन्हें पूर्ण हिरण केसरी, पूर्ण हिरण केसरी की इनको उपाधि मिली थी, ये याद रखिएगा। इनकी तीन संतानें थी, हम लोग जानते हैं, एक है राजवर्धन, एक है हर्षवर्धन और एक है इनकी पुत्री राजश्री। अब देखिए स्टोरी में आगे क्या हो रहा है, हो क्या रहा है कि राजश्री जो है इनका विवाह ग्रह वर्मा से हो जाता है, जो मौखरी राजा है और जो कन्नौज की गद्दी पर बैठे हैं। तो इन दोनों के बीच विवाह संपन्न हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि करनाल और कन्नौज, करनाल और कन्नौज के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। तो जब वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए तो उसके बाद क्या हुआ कि ग्रह वर्मा से एक गलती हो गई। गलती क्या हो गई कि उन्होंने एक बहुत ही चालाक व्यक्ति से लड़ाई ले ली। तो वो चालाक व्यक्ति कौन है, वो चालाक व्यक्ति है बंगाल का शशांक। तो ग्रह वर्मा जो है वो लड़ाई करने चले गए शशांक से, तो इनके बीच युद्ध हुआ। इसी तरह से बना लीजिएगा तो आपको एक ही पन्ने में हर समझ में आ जाएंगे। तो ग्रह वर्मा और शशांक के बीच युद्ध हुआ, शशांक बहुत ही चालाक राजा था और शशांक का जो सहयोगी है वो देवगुप्त है, ये शशांक का सहयोगी है देवगुप्त, जो मालवा का शासक है। तो मालवा का शासक देवगुप्त और जो ये शशांक हैं ये हर्ष के जीवन के विलन है। ठीक है, तो विलन दो हैं, कौन कौन, बड़ा विलन अमरीशपुरी टाइप कौन है शशांक, और छोटा विलन परेश रावल टाइप वो देवगुप्त हैं या शक्ति कपूर मान लीजिए। ठीक है, तो दो विलन हैं। तो हुआ क्या कि ग्रह वर्मा का शशांक से युद्ध हुआ, तो शशांक ने क्या किया, ग्रह वर्मा को मार दिया। जब जान से मार दिया तो ग्रह वर्मा की जो मृत्यु, मृत्यु की जो खबर है वो भंडी, नाम है BHANDI, भंडी ने ये खबर आकर किसको दी,
राज्यवर्धन को, क्योंकि राज्यवर्धन का बहनोई मार दिया गया था शशांक के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ कि राज्यवर्धन को गुस्सा आई, क्योंकि वो बड़े पुत्र थे तो गद्दी थानेश्वर की वही संभाल रहे थे, तो उन्होंने अपने बहनोई का बदला लेने का प्रयास किया और उन्होंने शशांक से राज्यवर्धन ने ये भी शशांक से जाके भिड़ गए। लेकिन मैंने बोला शशांक एक बहुत ही चालाक राजा था, तो उसने क्या किया, शशांक ने राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी। तो अब ग्रह वर्मा नहीं रहे, राज्यवर्धन नहीं रहे, पिता की मृत्यु हो ही गई थी, राजश्री विधवा हो गई थी। अब हर्षवर्धन को, जो विद्वान टाइप था, जिसे लिखने पढ़ने में मजा आता था, लेकिन परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल हो गई उसकी कि ना चाहते हुए भी उसे थानेश्वर की गद्दी संभालनी पड़ी। ना केवल थानेश्वर की गद्दी संभालनी पड़ी बल्कि उसे कन्नौज की गद्दी भी संभालनी पड़ी। तो जब उसने कन्नौज की गद्दी और थानेश्वर दोनों की गद्दियां संभाली, तो उसे दोनों की गद्दियां संभालनी पड़ी, तो समस्याएं उत्पन्न उसके सामने हुई। लेकिन जितना हम लोग हर्ष को सीधा समझते हैं, उतने सीधे हर्ष थे नहीं। हर्ष में कूटनीति कूट कूट कर भरी हुई थी। हालांकि हर्ष की कूटनीति हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक स्टोरी डेवलप कर रहे हैं जिससे हर्ष की इमेज हमारे दिमाग में बन जाए। तो हुआ क्या कि हर्ष अब हरियाणा और कन्नौज दोनों जगह का शासन चलाने लगा। जो राजश्री है, जब ये विधवा हो गई, तो विधवा होकर ये विंध्य के जंगलों में चली गई और वहां पर ये सती होने का प्रयास कर रही थी। ये जानकारी हम लोगों को बाण भट्ट की हर्षचरित से मिलती है। तो सती होने का या सती प्रथा का एक शब्द जो है वो हमें हर्षचरित में भी सुनने को मिलता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर राजश्री जो है, जब वो विंध्य के जंगल में चली गई सती होने का प्रयास कर रही थी, तो हर्षवर्धन प्लस उनके एक मित्र थे, उनका नाम था दिवाकर मित्र। ये बौद्ध भिक्षु हैं। इन दोनों ने मिलकर राजश्री को बचा लिया। ये एक अच्छा हुआ कि दोनों ने ही मिलकर राजश्री को बचा लिया और उसको कन्नौज ले आए। हर्ष ने बोला कि कन्नौज का और थानेश्वर दोनों लोगों का शासन मैं संभाल लूंगा, तुम आराम से रहो, कोई समस्या अब नहीं आएगी। तो दोनों ही जगहों पर हर्षवर्धन गद्दी पर बैठ गए। अगला मुद्दा यह रहा कि हर्षवर्धन जो है, इन्होंने शशांक से बदला लेने का निसंदेह प्रयास किया होगा, लेकिन हमारे पास आज एविडेंस उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि हर्षवर्धन और शशांक के बीच जो युद्ध हुए हैं या हुए होंगे उसके परिणाम क्या रहे हैं। उसके परिणाम हमारे लिए आज भी शून्य है, क्योंकि हमें जानकारी उपलब्ध नहीं है। हाँ, हालांकि हम लोग मान सकते हैं कि हर्ष ने बदला जरूर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो इतनी स्टोरी से हमें ये समझ में आ गया कि कन्नौज में वर्धन वंश यहाँ पर एस्टेब्लिश हो गया और हर्षवर्धन कन्नौज की गद्दी पर बैठ गए। यहाँ पर मैंने पाटलिपुत्र इसलिए बना रखा है कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जो पॉलिटिकल एरिया है या जो पॉलिटिकल सेंटर है, वो सेंटर एरिया अब खिसक गया है। वो खिसक के पाटलिपुत्र से कन्नौज आ गया है। अब जो भी संघर्ष होगा 100-200 साल 300 साल, वो कन्नौज की गद्दी को लेकर होगा, ना कि पाटलिपुत्र की गद्दी को लेकर। पाटलिपुत्र ने भारत के इतिहास में लगभग 800 सालों तक राजधानी का प्रतिनिधित्व निभाया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज दिन तक अगर कोई सबसे लंबे समय तक राजधानी रही है तो वो पाटलिपुत्र रही है। याद रखिएगा, आगे हम लोग इस पर चर्चा भी करेंगे। तो इतनी
चीज हम लोगों को समझ में आई। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने प्राग ज्योतिषपुर लिख रखा है, असम का जो क्षेत्र है, यहाँ के राजा भास्कर वर्मन थे। याद रखिएगा कि भास्कर वर्मन जो है ये हर्ष के मित्र थे। एक बार सीधा क्वेश्चन पूछ लिया था कि हर्ष की मित्रता प्राग ज्योतिषपुर के किस राजा के साथ थी, तो उसका नाम पूछ लिया था, तो भास्कर वर्मन। तो याद रखिएगा भास्कर वर्मन जो है वो हर्ष के समकालीन है और हर्ष के मित्र थे। शशांक दुश्मन था लेकिन भास्कर वर्मन हर्ष के मित्र थे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि जब हर्ष ने उत्तर भारत में अपना क्षेत्र विस्तार किया तो हम लोग देख रहे हैं कि उसकी नालंदा से भी उसकी मोहर मिली है, यानी कि उसने झारखंड और बिहार का जो क्षेत्र है उस पर भी निसंदेह विजय प्राप्त की होगी। तो उसी विजय क्रम में जब वो आगे बढ़ा तो महाराष्ट्र में एक बहुत ही योग्य राजा शासन कर रहा था। उस योग्य राजा का नाम था पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा है, याद रखिएगा पुलकेशिन सेकंड का ही ऐहोल अभिलेख है जो हम लोगों ने यहां पे लिख रखा है। ऐहोल अभिलेख रवि कीर्ति ने तैयार किया था, रवि कीर्ति ने तैयार किया। ऐहोल अभिलेख को लिखने वाला कौन है? रवि कीर्ति, रवि कीर्ति, R A V I K I R T I, रवि कीर्ति। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जैन धर्म को मानता था। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल भी किसी भी लाइन को हल्के में मत लीजिएगा। तो जैन धर्म को मानता था रवि कीर्ति और इसी रवि कीर्ति ने ऐहोल अभिलेख को तैयार किया था। अच्छा हुआ क्या? हुआ ये कि जो पुलकेशिन द्वितीय है चालुक्य राजा, पुलकेशिन द्वितीय वर्सेस हर्ष, हमें ऐसी जानकारी मिलती है कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था। तो जब हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ, उस युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट बात करती कि ये जो नर्मदा नदी है, नर्मदा हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे हैं, नर्मदा नदी जो है वो सीमा रेखा बनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे इतिहास में पहली बार किसी नदी को दो राज्यों की सीमा बनाया जा रहा है, तो वो नर्मदा नदी थी। ये भी क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया है कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच कौन सी नदी, किस नदी ने सीमा बनाई थी, तो वो नर्मदा नदी है। एमपीपीसीएस भी पूछ चुका है, यूपीपीसीएस भी पूछ चुका है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चर्चा है हर्षवर्धन की। तो हमें इतना तो समझ में आ ही गया हर्षवर्धन का कि हर्षवर्धन कहां थे, कहां पहुंच गए और उनकी गतिविधियां फिर किस तरह की हैं। तो कोशिश करिएगा कि जिस तरह से मैप के थ्रू समझाने का प्रयास किया गया है उसी हिसाब से समझिएगा, मैप भी बनाइएगा और जो बोला गया है उसको नोट भी करिएगा। तो कहने का आशय कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच जो युद्ध हुआ था, हालांकि बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जो पुलकेशिन द्वितीय को जीता हुआ मानते हैं, क्योंकि अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री देखी जाए तो पुलकेशिन द्वितीय निसंदेह एक बहुत ही योग्य राजा है, हर्ष से कहीं अधिक योग्य राजा थे, इसलिए पुलकेशिन द्वितीय को जीता हुआ मानते हैं। लेकिन नर्मदा नदी जो है वो इनकी दोनों की सीमा रेखा बन गई थी। पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा के उत्तर में जाने से मना कर दिया और हर्ष ने नर्मदा के दक्षिण में आने से मना कर दिया। तो यह हर्षवर्धन के प्रारंभिक जीवन की रूपरेखा थी। और इस रूपरेखा के बाद हम लोग हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठ जाते हैं तब उनके समय क्या गतिविधियां होती हैं। हर्ष प्रयाग में जो सभा करते हैं, कन्नौज में जो सभा करते हैं, हुयेनसांग जो उनके समय आया, हर्ष ने चीन में दूतमंडल भेजा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रेगुलर इंटरवल में आपसे पूछे जाते हैं। इन सब पे हम लोग अगले वीडियो पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। जो पहली बार देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब करें और उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे, ठीक है। और प्लीज वीडियो ऑनलाइन देखिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। चलिए आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। नमस्कार।